फाइनली मैं पहुंच चुका हूं आप काफनी ग्लेशियर में। एकदम मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मेरे साथ में काफनी नदी बह रही है। और गाइस चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्नो है भी, और यह है मई का महीना, तो मई में भी इतनी भयंकर वाली बर्फ़ शायद ही मेरे को कभी मिली होगी, क्योंकि तो इससे पहले यहाँ पे बहुत टाइम बार कई बार आ चुका हूँ मैं, तो कभी इस तरह की स्नो नहीं मिली, पर इस बार बहुत स्नो है। तो कहीं यदि चश्मा हटा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी लग रही है स्नो की, तो इसलिए मैं चश्मा नहीं हटा सकता। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही विकराल हो चुका है, तो इस वजह से अब हम चलते हैं आगे फिर से बयाली गैर में, जहाँ पर हमारे साथी लोग हैं। तो गाइस होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये हाई अल्टीट्यूड माउंटेन ट्रैक वाला जो हमारा ब्लॉग है, तो इससे पहले भी मैंने डाले हैं, पर आज कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम स्नो है यहाँ पर। तो गाइस लास्ट बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मौसम धीरे धीरे बिगड़ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मौसम ख़राब होगा तो टाइम नहीं लगेगा मौसम को बिगड़ने में, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10 और मैं हूँ काफनी ग्लेशियर में। अभी यहाँ पर से हम थोड़ा सा स्नो का सैंपल और नदी का सैंपल लेंगे, और देख सकते हैं काफनी नदी अभी एकदम बहुत कम है, जैसे जैसे स्नो मेल्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफनी ग्लेशियर, और इस साइड को आप देख सकते हैं गाइस मौसम बहुत बेकार हो रहा है पीछे को। तो यहाँ पर कहीं पर धूप होगी तो कहीं पर हल्की थोड़ी बहुत स्नोफॉल ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, जल्दी से निकलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस ये पूरी स्नो है काफनी ग्लेशियर में, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ है गाइस यहाँ पे। तो मैं लौट चुका हूँ अब काफनी ग्लेशियर से, और अब सीधे चलते हैं बयाली गैर में। आज का दिन भी हम रहेंगे वही बयाली गैर में ही, तो फिर अभी दिखाते हैं आपको बयाली गैर का व्यू क्या हो रहा है, क्योंकि मौसम गाइस यहाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है। अभी तक मौसम सही था, तो धीरे धीरे अब मौसम बिगड़ने लग गया है, मौसम की हालत ख़राब हो चुकी है। गाइस कुछ दिख नहीं रहा है, सफ़ेद सफ़ेद हो गया सारा, क्योंकि बर्फ से आँख चमक रहे ना, ये उतना सनग्लासेस इतना कारगर नहीं है, ये केंचुआ का है। तो ये तो खाली ऐसे ही है, स्नो के लिए नहीं है ये, तो इसलिए दिख नहीं रहा कुछ भी। आँखों को बहुत तेज़ तेज़ लाइट पड़ रही है,
हमारे साथ के लोग थे वो भी उधर टॉप में दिख रहे हैं मेरे को, पर अभी फिर से मैं बहुत बड़े अभिलांच को पार करने वाला हूँ। इसको देख के ही डर लग रहा है गाइस, जी घबराए रहा न जाए। ये देखिए इसमें ना मेरे को घुसने का डर लगता है गाइस, बाकी कुछ नहीं, कहीं पाँव अंदर ना घुस जाऊँ उसका डर लगता है। चलो अभी तो हैं लोग सामने में देखने के लिए, इनको पता तो चले जाएगा कहाँ घुस गया करके। तो करते हैं पार इसको भी कैसे भी, क्योंकि जब गए हैं इसको पार करके ऊपर को तो फिर नीचे भी तो जा सकते हैं गाइस। बर्फ का चट्टान, सबसे दिक्कत वही है ना घुसने की, घुसी घुसी भाई मेरा पाँव घुसी भाई वाला काम हो रहा है इसमें। ओए ये तो बड़ा ट्रेनिंग है हो गया गाइस, बड़ा भयंकर सीन हो रहा गाइस में, जो डरा उमरा। तो ये हो रहा है सीन शॉट यहाँ का। तो वो लोग हैं वहाँ पे सामने में, वो दिख रहे हैं आपको, मुश्किल से दिख रहे होंगे क्योंकि गोप्रो इतना दूर नहीं दिखाएगा आपको, एकदम नज़दीक दिखाएगा। तो फिलहाल वाला हो रहा था घुस गया ना, तो चलो वो लोग आज तो देख ही लेंगे, ताकि मैं अंदर से कर ही लूँगा, बाहर आने का जुगाड़ में बिठा ही लूँगा। क्या गाइस बड़ा भयंकर वाला है गाइस, खासकर अकेले में तो और ज़्यादा डरावना है ये, क्योंकि कोई साथ में हो तो तब तो ठीक है, आप एक दूसरे के सहारे चल सकते हो, पर यदि आप अकेले में हो तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको अकेले में को भी संभालना है और देख सकते हैं बहुत ही भयंकर वाला हो रहा है घुस के ना गाइस। तो बहुत भयंकर होगा, पर मैं गोविंद टाकली हूँ गाइस, नोमैडिक टाकली ब्लॉक। तो मैं कई बार कर चुका हूँ इस तरह का चैलेंजिंग काम, तो मैं कर ही लूँगा। फाइनली 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 मैं कर चुका हूँ। तो गाइस फाइनली अब मैं ऑलमोस्ट कर चुका हूँ इसको, जो ज़्यादा टफ पार्ट था उसमें से मैं आ चुका हूँ। अब तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं, यहाँ पे घुस भी गया तो ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, घुस भी गया तो 2-2.5 फीट ही घुसेंगे नीचे, ज़्यादा नहीं घुसेंगे। हाँ तो फाइनली ये वाला पैच मैंने पार कर लिया है, थोड़ा सा है स्लाइड वाला एरिया तो हम उसको भी कर लेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे 42। ये पार्ट्स भी कम डेंजरस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी फिसल गए ना तो सीधे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आना पड़ेगा, खतरा तो है नहीं, चलो मरने मरने का, पर ये है कि यहाँ से नीचे अगर गिर गए फिर वहाँ से ऊपर आना बहुत टाइम लग जाएगा। हम
पार हो जाएंगे हम फिसलेंगे इसमें, क्योंकि मैं पहले स्टेप बना चुका हूँ इसमें। ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हेलो, पहुँच गए यहाँ तक, तो ये लोग भी कर चुके हैं भी काफनी ग्लेशियर। मैं आगे आ जाऊँ तब तो खींच लेना, नहीं तो मैं बीच में जोकर आ जाऊँगा। चलो खींचो, हाय हाय। तो गाइस फाइनली हम कर चुके हैं काफनी ग्लेशियर। ग्लेशियर का थोड़े नीचे है, मौसम भी ख़राब हो गया है, थोड़ी देर में देखोगे आप झमाझम वाली बारिश हो जाएगी, यहाँ पर ओलावृष्टि होनी शुरू हो जाएगी। और तुम गैस मत अब निकल लेते हैं बयाली गैर में, और बयाली गैर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं लगते ही पानी का जुगाड़ करते हैं खाना खा पी के, क्योंकि मौसम जब तक सही रहता है तो पानी वगैरह का भी रास्ता तो है, लकड़ी वगैरह लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो जो साथ में थे वो मेरे वो पीछे ही रह गए हों बहुत देर में, क्योंकि उनको फ़ोटो शॉट करनी है, फोटो आए बेचारे बहुत दूर से, तो फ़ोटो वोटो खींच के जाएंगे, वीडियो वीडियो बना के ले जाएंगे, इंस्टा रील बनाएंगे, तो इस करके अब हम चलते हैं आगे। तो वो सामने में है हमारा बयाली गैर में जाना है अभी हमको, तो मैं चलता हूँ अब यहाँ से शॉर्ट रास्ते से, क्योंकि लॉन्ग रास्ते पे बहुत बर्फ़ है, मेरे जूते वाटरप्रूफ है नहीं है, तो ये भीग चुका है, तो चलते हैं आगे को, मिलते हैं बयाली गैर में। अभी रास्ते में हमको लकड़ियाँ मिली मेरी को, तो यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी है इस तरह से, जब जहाँ पे जो चीज़ मिल जाए उनको इकट्ठा करके रखो तो बहुत काम आती है। तो वैसे यहाँ पे जैसे मैं बता रहा आपको लकड़ियाँ बहुत कीमती हैं गाइस यहाँ पे, तो जहाँ पे भी हमको मिलते हैं इस तरह से 1, 2, 3 लकड़ी जितनी भी मिल जाती है इनको हाथ में पकड़ के फिर ले जाते हैं हम अपने कैंप साइट में जहाँ पे हम रहते हैं, तो इसी तरह से लकड़ी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जब तक मौसम साफ है तब तक तो ठीक है, जैसे बारिश हो जाएगी तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइस लकड़ियाँ इकट्ठा करना भी, क्योंकि लकड़ियाँ आती हैं पार से, पार बोले तो काफनी रिवर पार करके, तो काफनी रिवर में यहाँ पर कोई पुल है नहीं, क्योंकि अभी तक तो नदी बहुत कम है, तो उसमें वार पार जा सकते हैं और लकड़ी भी इकट्ठा कर सकते हैं, पर जैसे ही नदी बढ़ जाएगी तो एक और लकड़ी मिली बहुत बढ़िया वाली गाइस, ये वाली लकड़ी मिली, ये तो सब चुकी है, पर ये वाली अच्छी है, बड़ी लकड़ी है, तो इसको भी ले जाएंगे साथ में। तो इससे क्या होगा, जैसे कहावत है ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो ऐसे एक आध करके 1-2-3 लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमें जब हम नीचे से डायरेक्टली आएंगे तो हमें ये नहीं रहेगा कि हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो कहाँ जाएं, तो अपने पास व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो इस वजह से हम लकड़ियाँ जहाँ भी दिखते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, चाहे एक मिले कितनी भी मिले,
तो हम उसको छोड़ते नहीं। ये बर्फ़ के साथ आते हैं लकड़ियाँ इस तरह से ऊपर से, यहाँ से जब एविलांच आता है तो बर्फ़ से ये टूट के, जो ये झाड़ियाँ हैं इनसे टूट के लकड़ियाँ वो इधर को आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसी का स्टोर करके फिर अपना यूज करते हैं गाइस। और लकड़ी मिले तो हम हिमालय में इस तरह से सरवाइव करते हैं गाइस बहुत दिनों तक, क्योंकि यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह तो ले आ पाना मुश्किल है, क्योंकि इंसान के चलने का रास्ता ही नहीं है। तो फिर हम घोड़े खच्चर का तो सोच ही नहीं सकते, घोड़े खच्चर जब आएंगे तो तब हम ज़रूर गैस का यूज करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे हम तब, और लकड़ी का यूज नहीं करेंगे, खास जब बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी होगा तो तभी करेंगे, और फिलहाल तो हमें करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहुँच चुका हूँ किलखोड़ में, बहुत बढ़िया मैदान है, यहाँ पे भी कैंपिंग वगैरह के लिए बढ़िया है, जब मौसम साफ हो स्नोफॉल ना हो तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे कैंपिंग के लिए। तो यहीं पे हमने लगाया था एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जो वाटर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून की तरफ से लगाया गया था, तो वो एक साल भी नहीं टिका गाइस। यहाँ पे बहुत भयंकर वाला एविलांच आया और पूरा उड़ा के ले गया, ये देखो ये यहाँ पे लगा था, इसमें हमने करा था ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल, उसी साल उड़ गया था ये, बहुत दूर दूर तक उड़ गया था। ये था हमारा किलखोड़, किलखोड़ का मैदान, काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है गाइस, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बकरी वाले ना इस तरह से अपना शेल्टर बनाते हैं, इसमें एक लकड़ी डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर में प्लास्टिक डाल देंगे, तो यहीं पे अपना दिन और रात काटते हैं कुछ समय के लिए। तो ये देख सकते हैं पूरा जो ये सामान आया है, ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का ही सामान है। तो गाइस 2022 में एक बाबा जी मेरे साथ आए थे यहाँ काफनी ग्लेशियर में, तो यहाँ पर रहे थे 17-18 दिन, तो उन्हीं की एक कुटिया दिखाता हूँ। बेचारों की हालत ख़राब हो गई थी गाइस बर्फ़ में, बर्फ़ इस बार भी इसी तरह की बर्फ़ हो गई थी, तो वो रहे थे यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर उन्होंने फाइबर के टुकड़े वगैरह लगा के करा था अपना रहने का जुगाड़, तो पर वो ज़्यादा दिन रह नहीं सके क्योंकि बहुत भयंकर वाला स्नो था गाइस यहाँ पे उस समय। ये देखो रहे यहाँ पे कुछ दिन, तो वैसे जगह तो ठीक था पर ज़्यादा बर्फ में बहुत ही भयंकर था, यहाँ पर रहना मुश्किल था तो रह नहीं पाए। पर वो यहाँ पर रहे थे 17-18 दिन रहे थे यहाँ पे, वो अकेले में रहे वो भी, पर ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए। और यहाँ पर रहने के लिए सुविधाएं चाहिए गाइस, कम से कम अपने पास रहने के लिए एक शेल्टर ज़रूरी चाहिए, और राशन पानी भी बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि नज़दीक में कुछ है नहीं, और द्वाली जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत दूर है यहाँ से, है तो 10 किलोमीटर पर बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो इस वजह से यहाँ पर रहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए बहुत लंबे समय तक रहने के लिए। तो वो बाबा जी 18 दिन रहे यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे बिना किसी सुख सुविधा के 18 दिन रहना बहुत बड़ी बात है उनके लिए खासकर। मैं पहुँच चुका हूँ अब फिर से अपने घर में बयाली गैर में, तो ये देख सकते हैं
हरियाली, घर में अब थोड़ी बहुत हरियाली आनी शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले आ रहा हूँ, तो इतने लकड़ियों से हम एक टाइम का खाना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहुंच चुका मैं अपने घर में, बयाली घर में। और दोस्तों, ए दोस्तों, क्या चल रहा है? इसको क्या हो गया?